तो यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली की ओर से आदेश निकाला गया है और यहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनको आपस में विकास खंडों में एक दूसरे का नवीन आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर श्री विवेक शर्मा जी, ये वर्तमान में विकास खंड नवाबगंज हैं, अब इन्हें नवीन आवंटित पद पूरा दिया गया है। इसके बाद श्री मनोज राम, ये रामनगर में हैं, वर्तमान इन्हें नवाबगंज दिया गया है। श्री जगदीश कुमार जी, ये अभी कहीं पर तैनात नहीं थे, इन्हें रामनगर दिया गया है। और श्री दिनेश चंद्र जोशी, इन्हें नगर क्षेत्र बरेली द्वितीय जोन दिया गया है। तो इस प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारियों के यहाँ पर आवंटन किए गए हैं। अब देखते हैं इटावा जिला में किस प्रकार से नया आवंटन किया गया, नवीन आवंटन विकास खंड आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर ये आदेश इटावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से है, यहाँ पर दो खंड शिक्षा अधिकारियों को नवीन तैनाती दी गई है। श्री धर्मेंद्र प्रसाद जी खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से इन्हें नवीन खंड शिक्षा अधिकारी महेवा बनाया गया है, जबकि श्री उदय राज सिंह को खंड शिक्षा अधिकारी महेवा से खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय इटावा का कार्यभार दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ताज़ा ये न्यूज हैं उनमें ये दो जनपदों के खंड शिक्षा अधिकारी आपस में विकास खंडों में नवीन तैनाती पर तैनात किए गए हैं, कार्यभार दिया गया है।